वहीं बाघमारा से कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो नॉमिनेशन करने अपने पूरे काफिले के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे और अब वो नॉमिनेशन करके बाहर निकल रहे हैं। आपको तो बता दें कि थोड़ी देर पहले ही बाघमारा से भाजपा की प्रत्याशी ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो ने भी अपना नामांकन दर्ज करा है और अब जलेश्वर महतो यहाँ पर अपने पूरे काफिले के साथ पहुँचे हुए हैं। तमाम कांग्रेसी नेता आज जो है उनके समर्थन में यहाँ नॉमिनेशन में इनके साथ मौजूद रहे। हम चलिए सीधा इनसे बातचीत करते जानते हैं कि चुनाव में क्या है इनका एजेंडा। बेरोजगारी का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है बाघमारा में और धनबाद में। बेरोजगारों को रोजगार के सवाल पर हम चुनाव लड़ेंगे और झारखंड सरकार की जो उपलब्धि है, मैया जम्मा सम्मान योजना है, 200 यूनिट बिजली माफ है, 2 लाख रुपया ऋण माफ है, स्टूडेंट के लिए सुविधा है, गरीब लोगों के लिए सुविधा है, उसके बाद इलाज कराने के लिए जो सुविधा है, ये मुद्दा को लेकर हम चुनाव लड़े। भाजपा का कहना है कि मैया सम्मान योजना जो है जमूला है, चुनावी जुमला है, उनका 15 लाख वाला याद उड़ कर ले। चलो एक चीज और बताइए, 3 बार से बाघमारा में भाजपा की जीत हो रही है, कैसा क्या मानते हैं इस बार आप? किस तरह से हो रहा है तो आपको नहीं मालूम है। चलिए और आपका क्या मुद्दा रहेगा युवाओं महिलाओं को लेकर? बोल दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार किसके लिए, जुआ के लेना है? चलिए पर आपने सुना, हमने बातचीत की जलेश्वर महतो से और उन्होंने बताया है कि युवाओं के रोजगार को लेकर जो है इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने बताया कि ये काम करेंगे, साथ ही साथ मैया सम्मान योजना को उन्होंने कहा है कि इसका लाभ यहाँ की महिलाओं तक पहुँच रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा डर चुकी है और इस बार उनका ये कहना है कि बदलाव देखने को मिलेगा, जनता जो है वो इस बार फैसला इनके हित में करेगी। हालांकि ये तो जनता का फैसला है कि जनता इस बार क्या कुछ निर्णय लेती है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे अब जो है प्रत्याशियों के मन में अलग अलग तरह के सवाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फैसला सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि जनता के हाथों में, जनता क्या फैसला करती है ये 20 को पता चलेगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।